नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज। एनटीपीसी के सीएमआर के तहत जरूरतमंदों के बीच 150 कंबल वितरण किया गया। गणतंत्र न्यूज बसंत कुमार मेहता। बड़का गांव एनटीपीसी पकरी बरवाड़ी एवं बादाम कोल खनन परियोजना के सौजन्य से एनटीपीसी के सीएसआर विभाग के द्वारा सीएस और प्रबंधक कमल राम रंजक के की देखरेख में बादाम कोल खनन परियोजना के अंतर्गत ग्राम रुद्दी में 150 कंबल का वितरण किया गया। गोंदलपुरा पंचायत के उप मुखिया सुबोध यादव, प्रदीप कुमार एवं अनिल कुमार के पहल पर कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचवाहनी मंदिर के प्रांगण में दिव्यांग विधवा असहाय एवं जरूरतमंदों के बीच 150 कंबल का वितरण किया गया। आने वाले दिनों में एनटीपीसी के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए कई तरह का कार्य किया जाएगा, जो आप सभी वर्गों के लिए लाभ साबित होगा। ग्रामीण जनता को यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी हमारी भलाई कर रही है, यह नहीं अपनी भलाई के लिए कंबल वितरण करना, यह समाज का या सारे व्यक्तियों को मन को मोहने के लिए कंपनी कंबल वितरण करना या और किसी प्रकार की लोभ देकर अपना कंपनी या कॉल कंपनी चालू करने में जुटी हुई है। यह पब्लिक खुद डिसाइड कर सकती है कि आने वाले दिन में हमें कितनी संकट की सामना करनी पड़ेगी। वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह साबित होता है कि कंपनी हमको मूंग के जाल में फंसा रही है। यदि हम ग्रामीण जनता यदि इस बात को नहीं समझे तो आने वाले दिन जिस तरह अभी आप पकरी बरवाड़ी के ग्राम वासियों का हाल देख रहे हैं, उसी प्रकार हम गोंदलपुरा रूदी बादम गाली बलोंदर हाहे अंबाजित गांव के ग्रामीणों को यह कंपनी को अपने बारे में या अपने बच्चों के भविष्य के बारे में समझे। यह कंबल या और अन्य प्रकार के जो आपके हित के लिए काम कर रही है, वह आपको कहीं ना कहीं वह मूंग के जाल में कंपनी आपको फंसा रही है। इस लोभ के जाल से बचे, जागो भाई जागो। यह कंपनी हमें नींद लूटने आ रही है, हमें चैन की जिंदगी चेन्नई आ रही है। हम कंपनी से दूर रहेंगे, अपने क्षेत्र में हम कंपनी को कभी नहीं आने देंगे। गणतंत्र न्यूज़।